एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में आईपीएल के 41वें मैच में चेन्नई सुपर किंग और पंजाब 11 का मैच हुआ, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 200 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान। ऋतुराज गायकवाड़ ने 31 बॉलों पर 37 रन का योगदान दिया, 4 चौके और 1 छक्के से सजी हुई पारी। डेविड कॉनवे ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए 52 बॉलों पर 92 रन का योगदान दिया, 16 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। शिवम दुबे 17 बॉलों पर 28 रन बना पाए। महेंद्र सिंह धोनी ने 4 बॉलों पर 13 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल रहे। इस प्रकार पूरी टीम 20 ओवर में 200 रन का विशाल स्कोर बना पाई 4 विकेट के नुकसान पर। हर्षदीप ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 37 रन देकर के 3 विकेट लिए। इसके अलावा रबाडा को 1 विकेट मिला। सैम करन, जो कि महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 46 रन दिए, 3 सफलताएं अर्जित की। इसके बाद जवाबी लक्ष्य का पीछा करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 ओवर में 200 रन के टारगेट को चेज किया, और चेज करने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो प्रभ सिमरन सिंह का, जिन्होंने 24 बॉलों पर 42 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। ओपनिंग आए थे कप्तान शिखर धवन के साथ, शिखर धवन ने भी कुछ अच्छे हाथ दिखाए, 15 बॉलों पर 28 रन का योगदान दिया, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इसके बाद लियम लिविंगस्टन ने 4 छक्के मारे, 24 बॉलों पर 40 रन का बेहतरीन योगदान दिया। आखिर में जितेश शर्मा, जो कि विकेट कीपर, 10 बॉलों पर 21 रन बनाए, और सिकंदर रजा ने जो लास्ट बॉल पर 3 रन लिए वो बेहतरीन रहा, 7 बॉलों पर 13 रन बनाए, 1 चौका लगाया, लेकिन टीम को जिता कर ही दम लिया। इस प्रकार टीम 20 ओवर में मींस आखिरी बॉल पर जीत गई और पॉइंट्स टेबल में अपने आप को और ऊपर किया किंग्स इलेवन पंजाब में। तो चेन्नई सुपर किंग इस प्रकार से हार गई।